वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही मटन कोरमे की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मटन, ये विद बोन्स पीसेस है, इसे मैंने वॉश करके रख लिया है। ये 4 मीडियम साइज़ के ऑनियंस हैं जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। ये मैंने ले लिया है 3 टमाटर, इससे मैं हल्का सा दो से तीन मिनट तक बॉईल करके इसे ब्लांच कर लूँगी और फिर इसे ग्राइंड कर लूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये मैंने 1/2 कप कर्ड ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से फेट कर रखा है, आपको कर्ड फेटना है अच्छे से। ये 8 से 9 कैशू नट काजू, ये 8 से 9 आलमंड बादाम, हमें काजू और बादाम पीस लेना है हल्का सा पानी डालकर। ये मैंने सॉल्ट ले लिया है 3 टीस्पून, ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये हरी मिर्ची मैंने ले लिया है 9 से 10, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, ये गरम मसाला पाउडर 1 to 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 3 to 4 टीस्पून, आप जितना स्पाइस पसंद करते हो वो हिसाब से लीजिए। ये ब्लैक पेपर कॉर्न्स 8 to 9 ब्लैक पेपर कॉर्न्स और 4 हरी इलायची, ये 1/2 कप ऑयल और ये घी ले लिया है मैंने प्योर घी, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, ये वाटर करी के लिए। तो सबसे पहले हम जो ये 3 टमाटोज है उसे हम 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये मैंने पहले एक वेसल में पानी गरम कर लिया था, इसमें हमें टोमेटोज़ डाल देंगे। दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी शाही मटन कोरमा। मुझे 1-2 रिक्वेस्ट आए थे फ्रेंड्स से कि आप प्रेशर कुकर में कोरमे की रेसिपी बताइए मटन कोरमे की। ये ऑयल डाल के मैंने इसमें घी डाल दिया है, शाही मटन कोरमा है तो ज़ाहिर सी बात है घी ड्राई फ्रूट्स इसमें जाएंगे और इससे इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। एक घी और ऑयल जैसी गर्म होता है हम इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर कॉर्न्स, काली मिरी और हरी इलायची। नॉर्मली मटन के लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट आई थी तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में यूज़ किया है। अब इसे अच्छे हम फ्राई कर लेंगे, तब तक ये जो गरम मसाले की खुशबू ऑयल में ना आए। जैसी ऑयल हो जाएगा अब ये इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑनियंस, ऑनियंस को हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए दूसरी तरफ टोमेटो भी हो गया है ऑलमोस्ट, इसे हम फ्लेम ऑफ करके इसे अब निकाल लेंगे। ये मैंने आलमंड्स और कैशू नट को वॉश करके इसे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए टोमेटो के स्किन ऐसे निकालने हैं, स्किन निकाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे चॉप करके, आपको इसे चॉप करना है, काफ़ी गर्म है ये। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये हम टमाटो पेस्ट रेडी है, ये ऑनियन भी ब्राउन हो चुका है। अब हम ऑनियन में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 to 2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक गार्लिक जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल ना चला जाए। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है हल्का सा। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मटन के पीसेस, मटन हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। मटन अच्छा फ्राई हो जाएगा, ये देखिए मटन हो चुका है अच्छे से फ्राई। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट,
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये ग्रीन चिलीज हम डालेंगे। मैंने इसे स्लिट कर दिया है हल्का सा, और इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरे, वो जो टोमेटो मैंने बॉईल करके ब्लांच कर लिया है, जिसे मैंने पेस्ट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कैशूनट और आलमंड्स का पेस्ट। हमें कैशूनट आलमंड्स भिगोना नहीं है, डायरेक्टली इसका पेस्ट करना है। ये कर्ड हाफ कप। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके आपको 20 to 25 मिनट्स भूनना है, जब तक ये सारे मसाले का रॉनेस निकल नहीं जाता। आपको डायरेक्टली पानी डाल के इसका लिड बंद नहीं करना है, इसे अच्छे से भूनना है मसालों को। ये देखिए 15 मिनट्स के बाद ये मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें से रॉ स्मेल चले गई है मसालों की। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया, अब हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर डालिए, मैं अराउंड 1 ग्लास वाटर डाल रही हूँ। शाही मटन कोरमा जो है वो थिक उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे इसका लिड कवर कर लेंगे और इसे 3 से 4 प्रेशर कुक कर लेंगे। ये देखिए मैंने लिड निकाल लिया है, प्रेशर कुक हो चुका है, मटन भी अच्छा गल चुका है। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है मटन। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए शाही मटन कोरमा मैंने डिश आउट कर लिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप इसे स्टीम राइस, नान, लच्छा पराठा, रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपकी कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।